वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे मैंने ये तीनों ही थंबनेल्स बनाई है जो मैं पिछले एक डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है कैनवा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप सभी तरह के फ़ोटोज़ बड़े ही आसानी से एडिट कर सकते हो। कैनवा को सीखने के बाद आपको अडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो। कैनवा तीनों ही फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। इसकी वेबसाइट है जहाँ पर आप बड़े ही आसानी से फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो। इसका डेस्कटॉप ऐप भी आता है, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एंड ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे कैसे अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको कैनवा गूगल पर सर्च करना होगा। जो पहली वेबसाइट है उसे क्लिक करना है। देख रहे हो कैसी क्लासिक डिज़ाइन बना सकते हो आप। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट चूज़ करो, उसे कस्टमाइज़ करो और हो गई आपकी डिज़ाइन रेडी। इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए करते हैं साइनअप पे क्लिक। यहाँ पे साइनअप विद ईमेल प्रेफर करो, ये अच्छा रहता है रादर देन डायरेक्ट गूगल से या फिर फेसबुक से साइन इन करना। फिर आपको ये आपका नाम पूछेगा, नाम डालना है, जैसे मेरा नाम शुभम है। यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो के लिए एक टेम्पररी मेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ और जो आपको याद रहे वो पासवर्ड डालना है। बस पासवर्ड रखते समय ये याद रखना कि उसमें 4 से 5 कैरेक्टर हो, एक सिंबल हो और 2-4 डिजिट्स भी आए। उसके बाद आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है। फिर आपने जो मेल आईडी दी है उस पर एक मेल आता है कैनवा की तरफ से। वो बेसिकली एक कन्फर्मेशन मेल होता है जिसमें 6 डिजिट का कन्फर्मेशन कोड रहता है जो आपको 10 मिनट्स के अंदर डालकर कन्फर्म करना होता है। उसके बाद आपके सामने कैनवा का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद कैनवा का एक पॉपअप आएगा जिसमें कैनवा बोलेगा कि आप अपने टीम मेंबर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे मे बी लेटर पे क्लिक करता हूँ। फिर आपको ये पूछेगा कि आप कैनवा किस लिए यूज़ करना चाहते हो। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज वर्क के लिए चाहिए। उसके बाद ये पूछेगा कि आप क्या परस्यू कर रहे हो। उसके बाद स्किप। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन क्रिएट करना। प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, पोस्टर, A4 डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया है। यहाँ पे हमें क्लासिक डिज़ाइन देखने को मिलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं मुझे जो डिज़ाइन पसंद है उस पर क्लिक करता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। आप यहाँ पे फोटोज़, वीडियोस एंड ऑडियो तीनों पे ऐड करके उस यहाँ पे हमें कैनवा के स्टॉक इमेजेस भी देखने को मिलते हैं, इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत है, मतलब क्या ही कहूँ, वो ख़त्म ही नहीं होते, उतने हैं वो, आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ हमें वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जो कैनवा में हम एडिट कर सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास बस एक लिमिटेशन है कि आप प्रो वाले एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो, बस इतना ही। और इसके फ्री में ही बहुत से एलिमेंट्स हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स भी दिए हैं, आप जिस तरह से चाहिए, आप हेडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, ऐसे अलग अलग फॉन्ट्स हैं और उनके फॉन्ट साइज़ भी। फिर आपको जहाँ पर उसे प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पर ईजिली फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, आपको जो रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पर म्यूज़िक भी दिए है कैनवा ने, यहाँ पे फ्री वाले म्यूज़िक भी प्रोवाइड किए हैं जो आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो या फिर स्टोरीज में यूज़ कर सकते हो। वो एकदम ही फ्री है, वो कैनवा की तरफ से आते हैं। और यहाँ पे स्टॉक वीडियोस भी है बहुत से, जो आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग हमें बैकग्राउंड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि एक से बढ़कर एक है। फिर आपको अगर कोई पाई चार्ट ऐड करना है या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए भी यहाँ पे चार्ट्स, वो आप अपने हिसाब से ग्राफ में वैल्यूज ऐड करके उसे भी यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशंस में। तो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। देन फोल्डर्स के नीचे जाओगे तो आपको कैनवा के कोलैबोरेशन दिखेंगे। कैनवा ने पिक्सल के साथ कोलैबोरेट किया है, मतलब आप सोच सकते हो कि कैनवा के खुद के स्टॉक इमेजेस उसी के साथ पिक्सल और पिक्साबे दोनों के स्टॉक इमेजेस आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप कोई लिंक भी इम्बेड कर सकते हो, इमोजीज यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप वाले सारे इमोजीज यहाँ पे हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप QR कोड भी ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक लिंक के लिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। इन सब के साथ कैनवा का टाइप है तो आप इसे इसी आईडी से यूज़ कर सकते हो।
स्पेसिफिक अकाउंट की आपको दूसरे आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी फ्लिकर जैसे यूज़ कर सकते हो, आप सभी प्लेटफॉर्म एक ही इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी डिज़ाइन रेडी, अब करते हैं इसे डाउनलोड। इसके लिए मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, उसके बाद जैसे मुझे पहला ही फ़ोटो चाहिए तो मैं उसे भी क्लिक करूँगा, सेकंड वाले को नहीं। हाई क्वालिटी इमेज वो PNG में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैं इसे PNG में डाउनलोड करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, मतलब एक दो सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। और जिस नाम से आपको सेव करना है उस नाम से आप सेव कर सकते हो। देखते हैं उस इमेज पे क्लिक करके कैसी बनी है। तो आप देख सकते हो कि कितनी क्वालिटी इमेज बनी है कैनवा पे। उसी के साथ एक ये जो वीडियो है उसे भी डाउनलोड करके देखते हैं। वीडियो भी काफ़ी हद तक सही क्वालिटी में बना है। और क्या क्या कर सकते हैं कैनवा में देखते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर्स, ट्विटर पोस्ट, एंड जैसे पर्सनल कार्ड्स, रिज्यूमे, बिजनेस, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के जैसे लोगो, वेबसाइट्स। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए भी अलग अलग टेम्पलेट्स है। एजुकेशन के लिए जैसे सर्टिफिकेट, वर्कशीट्स, एंड जूम के लिए बैकग्राउंड्स, माइंड मैप्स। उसी के साथ डिस्कवर में देखते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड्स, फ्री फ़ोटोज़, नेचर एलिमेंट्स, एंड सोशल मीडिया अगर करते हो तो उसके लिए आइकॉन्स। इसी के साथ हमें टी शर्ट प्रिंट के भी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप क्या प्रिंट करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। इसी के साथ कैनवा का डेस्कटॉप ऐप भी आता है, उसे आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वो विंडोज़ और मैक दोनों के लिए आता है। उसका इंटरफेस वेबसाइट के जैसा ही है, आप उसे भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। एंड कैनवा के प्ले स्टोर पर ऐप भी आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस, गुड बाय।